Post number two. Post number three. Post number four. Head plates are clean that, please. Compile sir, आ जाएंगे please. आप चारो कैप्टन प्लीज अमित जी की टीम से अमित जी यही रहेंगे प्लीज राहुल जी चले गए तो आई डोंट थिंक उनको वो गुरु फोटो को लेना प्लीज बी केयरफुल हम लोग अभी चेक कर लेंगे तरुण गुरदेव रवि शर्मा जी के वो तालियां अगर रवि शर्मा जी आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म नहीं देते तो आप यहाँ अभी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होते तो रवि शर्मा जी मैं सबसे पहले जो अपने प्लेयर्स थे क्रिकेट खेलने भाई आपका बहुत बहुत अच्छा लगा गेम हमें और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपने तो बहुत खेलना है यंग बच्चे हैं और इसको खेल भावना के साथ खेलें और बड़ा अच्छा लगा और देश के लिए खेलें स्कूल के लिए खेलें जहाँ भी आप जिस मुकाम के लिए भी और इसमें क्योंकि जो खेलेगा ग्राउंड में उसी को ही कुछ मिलेगा ये नहीं होता प्लेयर की क्योंकि कुछ एक जो क्रिकेटर्स हैं संजीव शर्मा जी हैं विराट कोहली के कोच आर के शर्मा जी हैं बड़ा उन लोगों के साथ बड़ा हो रहा है और ना केवल इंडिया लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर भी इमरान खान और ये इनसे भी हमारा मिलने का मौका रहा कई बार एयरपोर्ट पर महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली तो उन लोगों से मिले तो जो भी मैं तो ये मानता हूँ कि जो बच्चा ग्राउंड में मेहनत करेगा ना कुछ पाएगा तो आप ये मत आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इन्होंने एक इतनी अच्छी प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करी है यहाँ पे और जो आप लोगों ने अपना एफर्ट दिया है रियली आई अप्रिशिएट आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खेला है अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोग जो अभी सर ने जो बोला था कि आपने कुछ नशे को लेके बोला था तो आप लोग इनसे बहुत ही दूर रहे और क्योंकि जो स्पीड आपके अंदर लग रही है एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा 2 लाइन में अपनी प्रोफाइल बताऊंगा बेसिकली कहते हमारी जो कंपनी है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है तो हम लोग इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों जितने भी आपके इंटरनेशनल प्लेयर हैं या फिर डोमेस्टिक प्लेयर हैं हम उन सबको मैनेज करते हैं अभी रविंद्र जडेजा हनुमा विहारी उन्मुख चंद ये सारे हमारे प्लेयर हैं तो हो सकता है मे भी कहते हैं अगर क्या पता अगला कोई विराट कोहली या रोहित शर्मा आप लोगों से ही हो डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट दे रहे हैं बाकी जो अगर आप जैसे भी जितने भी प्लेयर हैं जुड़े रहेंगे शर्मा जी के साथ बाकी जो भी हमसे हो पाएगा हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे सचमुच कहते हैं और साथ में कहते हैं हमारे राहुल भाई जिन्होंने बहुत ही समय से उनकी पूरी टीम है धर्मवीर जी और हमारे भाई इनके सहयोग से ही मैं आप लोगों से जुड़ा और शर्मा जी से जुड़ा इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊँ और थोड़ा सा आपको भी ब्रीफ करूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर वगैरह से कनेक्ट रहते हैं तो अभी मैंने आप लोगों को जो गेम देखा है ना रियली ऑसम है बहुत अच्छा खेल रहे हो बस आपको थोड़ा सा कहते हैं और डेडिकेशन दिखानी है अपनी गेम की तरफ बस मैं ये बोलना चाहूँगा थैंक यू नाम बता दो मेरा नाम हरीश है मैं पीजी 11 का कैप्टन हूँ अभी जो आपने मैच खेला तो आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है उसमें परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रही है लड़कों ने काफ़ी अच्छा गेम खेला है बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में थोड़ा सा हमारे से चूक हुई थी लेकिन दूसरे मैच में हमने कवर कर लिया था काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल हमारा आपको उम्मीद थी कि आप ये मैच जीत जाएंगे हमें पूरी उम्मीद थी हम टूर्नामेंट में ही जीतने के लिए आए थे और पॉजिटिव थे जीतने के लिए तो खैर सभी आते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि खेल को इतना क्रिटिकल बन जाता है कि जीतने में काफ़ी मुश्किलें सामना करनी पड़ती हैं इस समय आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुश्किलों का सामना हमें ये करना पड़ा कि जो हमारी फील्डिंग डिपार्टमेंट था उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो गई थी अदरवाइज हम बैटिंग और हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी सब कुछ हमारे सपोर्ट पक्ष में ही था
कोई टाइम ऐसा लगा हो जब दिल में धक लगा हो कि ना लग रहा है मैच हाथ से निकल गया है कि इनकी फील्डिंग या बॉलिंग ज्यादा हावी रही हो? सेमीफाइनल में एक बार को मेरे को लगा था कि रन थोड़े ज्यादा बन गए हैं, अदरवाइज इतने रन बनने नहीं थे जो पहले टीम ने रन बनाए थे। हमने सोचा था कि 100 भी नहीं बनेंगे, उन्होंने 120-122 रन कर दिए थे। उस टाइम मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि कुछ हो सकता है अलग। आपकी टीम में जो सबसे अच्छा प्लेयर है उसने कितने रन बनाए? हमारी टीम में सबसे अच्छा पहले मैच में मेरे रन थे 58 और रोशित के 44 थे उसने, और जो अगला मैच हुआ उसमें रोशित ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, ऑलराउंड परफॉर्मेंस कराया उसने, 3 विकेट लिए हैं, 45 रन करे हैं, और हमारे चरणप्रीत स्पिनर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और 5 विकेट उन्होंने भी लिए। जिससे उम्मीद थी कि जो ज़्यादा अच्छा आपके गेम को जीत की ओर ले जाएगा उसने ही उस पर खरा उतरा, या जिससे उम्मीद नहीं थी वो खरा उतरा? नहीं नहीं, मेरे को उम्मीद सभी से थी, और जिस डिपार्टमेंट में मैंने सोचा था कि जो लड़का है, जो बॉलर है बॉलिंग के लिए, वो सभी खड़े उतरे हैं अपने डिपार्टमेंट में, सारे के सारे खड़े। चलिए हम मुबारकबाद देते हैं आपको। आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अमित है। अमित, कौन सी टीम का नाम बताएं? एमसीसी क्रिकेट क्लब। आप जब खेल रहे थे तब आपको उम्मीद थी कि लास्ट मूवमेंट पे ऐसा माहौल हो जाएगा कि आपकी टीम हारने की कगार पे आएगी? एक्चुअली अगर मैं मैच की बात करूं, स्पेशली फाइनल मैच की, तो मैच हम टॉस हार गए थे और ये आज की 6th इनिंग थी इस विकेट पे, तो विकेट काफ़ी टूट चुकी थी, और 6th इनिंग में चेस करना एक अलग माइंडसेट हो जाता है, प्रेशर आ जाता है फाइनल का, और विकेट पूरी टूटने की वजह से बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसका रिजल्ट है सामने कि मैं। आपको उम्मीद थी कि आप पिच खराब होने की वजह से हारे हैं या जो आपके प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कमजोर है? अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, अगर आप इससे पहले का सेमीफाइनल मैच देखें तो हमने वन साइड मैच जीता है, हमारी बैटिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली हमारी बैटिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अभी फिलहाल इस मैच में आई थिंक 45 के अराउंड ऑल आउट हो गए, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि सेमीफाइनल में जो 136 रन बना रही है टीम, और उसके बाद वो 40-45 रन पे अगर ऑल आउट हो रही है, तो इट मीन्स बॉलिंग तो अच्छी की होगी, ऑब्वियस सी बात है, बट विकेट काफ़ी टूट चुका था, बैटिंग के लिए काफ़ी टफ हो गया था खेलना वहाँ पे। तो ये आपको लगता है कि प्लेयर्स को फील्डिंग करने के तुरंत बाद ही उनको खेलने को मिला, या खेलने के बाद तुरंत उनको फील्डिंग करने को मिला, आराम करने का टाइम नहीं मिला? ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स मैन जो होता है वो पूरे पूरे दिन रनिंग करता है, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आप थक चुके थे, क्योंकि जो थक जाता है वो फिर स्पोर्ट्स मैन नहीं है। अब टेस्ट मैच पूरे पूरे दिन खेलते हो, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि थक गए तो हमसे बैटिंग नहीं हुई। सेकेंड चीज, लग के खेलना चाहिए था जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, गेम है, आई थिंक गेम हुई है सूर्या क्रिकेट टूर्नामेंट की, जो 2020-13 एडिशन है इसकी जीत हुई है, और मैं चाहता हूँ कि हर साल इसी की जीत हो, चाहे कोई भी टीम जीते, बट ये कंटिन्यू रहे और ऐसे ही अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता रहे। जिससे उम्मीद थी, जिस प्लेयर से उम्मीद थी कि अच्छा खेलेगा, क्या वो अच्छा नहीं खेल पाए? मुझे उम्मीद थी मेरे अपर 3 लड़कों की, ओपनिंग और वन डाउन वो काफ़ी अच्छा टच में थे, स्पेशली मैं आकाश का नाम लूंगा, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच है, 30 गेंदों पर उसने 62 रन किए, तो ऑब्वियसली बात है उससे काफ़ी उम्मीदें थी कि वो स्टार्टिंग के सात या 8 ओवर में हमें 70 या 75 रन लेके दे, बट स्टार्टिंग अच्छी, मतलब अच्छा किया था उसने स्टार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली विकेट खराब होने की वजह से मेरे हिसाब से बैटिंग तो काफ़ी मुश्किल थी, बाकी उसने अपना पूरा, मेरे प्लेयर्स ने पूरा 100% दिया, और कोई नहीं, हार जीत चलती रहती गेम है। चारों टीमों के लिए मैं माइक पे हूँ, चारों टीमों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, इनकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है, इन चारों टीमों के लिए मैं चाहूंगा ये अपने लिए भी ताली बजाएं और दूसरों के लिए भी ताली बजाएं, तो मैं चारों टीम्स को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिस स्पोर्ट्समैनशिप से इन्होंने इस मैदान पे एक तरह से जंग लड़ी है, महासंग्राम पे इन्होंने वो विजय पाई है, सबसे बड़ी बात है इस COVID-19 में, इस कोविड में जिस तरह से पेंडेमिक के इस तरह से चीज़ों में इन लोगों ने बड़े अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग से या मास्क में या जो जो चीज़ें इनको बताई गई उस तरह से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, तो मैं इनके विल पावर को थैंक्स करना चाहूँगा। ठीक है, ये तो ज़रूर होता है कि कोई टीम जीतेगी कोई टीम हारेगी, बट डेफिनेटली खेल की जीत होनी चाहिए और खेल की जीत हुई है, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा इन चारों टीमों के बच्चों को कि ये जुड़े हैं मेरे साथ, और मैं इनको एक छोटी सी चीज़ आज एक मोटिवेशन चीज़ें हैं, अगर ये 2 मिनट सुनना चाहें मेरी बात तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।